हे गाइस, तो मेरा नाम है जैन और आपका वेलकम करता हूँ एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा कुछ नया डिस्कवर करने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल 1.19 के बारे में। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। तो काफ़ी देर हो गई है, मैंने वीडियो नहीं बनाई माइनक्राफ्ट की, तो आ गई है आज वीडियो माइनक्राफ्ट की नई। और एक यहाँ पर मैंने एक वर्ल्ड लोड की है, हम यहाँ से आगे जाने वाले हैं। मैं काफ़ी देर से यहाँ पर लोड करके खड़ा हुआ हूँ, इस वजह से मेरी थोड़ी हेल्थ भी कम है। और हमें यहाँ पर एक विलेज मिल चुका है, इस विलेज को जल्दी जल्दी लूटते हैं, क्योंकि यार मेरे पास खाना भी नहीं है और मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो यहाँ से नीचे चलते हैं और सीधा जाके हम इस विलेज को लूटते हैं। हमें सबसे पहला एक हाउस मिला है ब्लैक स्मिथ का। ओके, यहाँ से अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ओके हेलो, सूट अप और लेट्स गो, खाना भी मिल गया हमें, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और भाई मैंने एक चीज़ गौर किया है, ये एक फ्लावर वाली बायोम है और उसके साथ एक विलेज है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ पे एक आयरन गोलम भी है। इस हाउस के अंदर चलते हैं, यहाँ पे अगर कोई चेस्ट पड़ी है, नहीं पड़ी। ओके सॉरी, मैं विलेजर्स का खाना वगैरह चोरी कर रहा हूँ, सब चोरी करूँगा, कज़ वाई नॉट। और यहाँ पे एक और घर है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ओके तो यार ये इसके, ओके ये मैं ये इसके इर्द गिर्द माउंटेन्स भी हैं, माउंटेन्स से घिरा हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है। काफ़ी जगह, सारी जगह पे माउंटेन माउंटेन हुए पड़े हैं, कहीं पे मुझे ट्रीज़ नहीं नज़र आ रहे। और विलेज है, और विलेज के इर्द गिर्द माउंटेन्स हैं और उसके अंदर फ्लावर बायोम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। यहाँ पे बिल्ड्स वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और तुम लोगों को आगे भी टूर करवाता हूँ सारी जगह का। यहाँ पर और भी काफ़ी सारी बिल्ड्स वगैरह बनाएंगे हम, काफ़ी सारा खाली इलाका भी है जहाँ पर हम अपना घर भी बना सकते हैं विलेज के अलावा। इधर इधर रिवीन्स हैं, केव्स हैं, और भाई फ्लावर काफ़ी सारे हैं। फ्लावर्स का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ। ये गधा यहाँ पर क्या कह रहा है? ओके, और यहाँ से आगे देखते हैं यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर बनाएंगे यार हम अपना घर, ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे शीप्स वगैरह भी हैं, सही है यार, यहाँ पर वाटरफॉल भी है, वाओ। ओके गाइस, तो जैसा कि मैं तुम लोगों को दिखा दिया है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, और इससे अच्छी वर्ल्ड तो नहीं हो सकती। तो अगर तुम लोगों को इसका सीड चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर दे दूँगा इसका सीड। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वर्ल्ड लगी, इस वर्ल्ड के अंदर खेलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल अपनी बेसिक अपग्रेड्स करते हैं। तो गाइज़, मैंने अपनी बेसिक अपग्रेड करने से पहले थोड़े से शेडर्स लगा लिए हैं, ताकि आप लोगों को गेम की लुक थोड़ी अच्छी लगे। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है यार। तो ये होगा हमारा 1.19 सर्वाइवल एक्सपीरियंस, जिसके अंदर हमारी पूरी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है, और हम लोग इसी वर्ल्ड के अंदर खेलने वाले हैं। तो चलो यार, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोई ट्री ढूंढने से, क्योंकि स्टार्ट करने ट्री ढूंढने से, और मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ भी कम हो रही है। तो यहाँ से कोई जानवर देखते हैं जिसको हम मार के खा सकें, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यार ये हमें ट्री ये मिल चुका है, तो सबसे पहले ट्री तोड़ते हैं। मैं तुम लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ इस चीज़ के रिलेटेड। तो आपने सबसे पहले ट्री तोड़ना है, ट्री तोड़ने के बाद हमने सबसे पहले पिकेक्स बनानी होती है वुड की। मेरे पास पहले ही पिकेक्स है, इस वजह से मैं बना नहीं रहा, लेकिन आपको सबसे पहले वुडन पिकेक्स बनानी होती है और उसी का यूज़ करना होता है। मेरे पास लेकिन फ़िलहाल एक आयरन पिकेक्स है, हम उसी के साथ माइनिंग करने वाले हैं और अपने लिए कुछ स्टोन ढूंढने वाले हैं। ये हमें मिल गया स्टोन, हम स्टोन से बाकी के टूल बनाएंगे, और हम वुडन टूल पहले नहीं बनाएंगे, क्योंकि वुडन टूल वेस्ट होते हैं। एक हमने सबसे पहले सिर्फ वुड की पिकैक्स ही बनानी है। तो यार मुझे तो विलेज मिल गया था, मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था। तो चलो यार, यहाँ से ऊपर को निकलते हैं, और हमें कुछ कोबल स्टोन भी मिल चुका है, और हमने बाकी की ब्रीजिंग जो है कोबल स्टोन से नहीं करनी, सारी ब्रीजिंग डर्ट से ही करनी है, क्योंकि कोबल स्टोन काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे कोई हमें क्राफ्टिंग टेबल मिल जाए वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। फ़िलहाल तो हर जगह पर माउंटेन्स हैं, फ्लावर्स हैं, विलेज है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वर्ल्ड है हमारी, और मैं भी तो खूबसूरत हूँ ना यार, आई एम खूबसूरत एज हेल यार, मतलब क्या क्या बात कर दी यार, जस्ट किडिंग गाइस। तुम लोग कमेंट में बताना मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं। ओके गाइस, तो हमारा कुछ कुछ चीज़ों का इंतज़ाम हो चुका है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टार्टर टूल जो मैं अभी बनाने वाला हूँ, ये सारी की सारी वुड बना देता हूँ मैं, और थोड़ी स्टिक्स होगी हमारे पास, और एक क्राफ्टिंग टेबल होगा। पहले क्राफ्टिंग टेबल, उसके बाद स्टिक्स आ जाएंगी, उसके बाद हमने क्राफ्टिंग टेबल रखना है, उसके बाद इसकी क्राफ्टिंग बुक ही खोल लेते हैं यार, क्योंकि वाई नॉट यार। और हमारे पास कुछ आयरन भी है, तो मैं सोच रहा हूँ इस आयरन से क्या बनाऊँ, और आर्मर बनाऊँ या टूल्स बनाऊँ। लेकिन फ़िलहाल हम लोग टूल्स बनाने वाले हैं स्टोन के, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक स्टोन का एक्स हो गया। स्टोन का एक्स चाहिए भाई मुझे, स्टोन का, ये रहा स्टोन का एक्स। और हम एक शील्ड बना लेते हैं, एक शील्ड यूज़ हो गई एक आयरन के साथ, और एक बकेट बना लेते हैं, क्योंकि बकेट सबसे ज़्यादा प्रेशियस होने वाली है हमारी सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर। और आई थिंक डैट्स इनफ, और हमारे लिए एक सॉर्ड भी हो जाए वो भी काफ़ी इनफ होगी। एक सॉर्ड, सॉर्ड कहाँ गई भाई, ये रही गाइस। ये ना समझना मैं नूब रहा हूँ, मुझे सारी क्राफ्टिंग रेसिपीज आती हैं, मैं यूज़ नहीं कर रहा वो अलग बात है, चल झूठा। क्योंकि फास्ट फास्ट क्राफ्टिंग करनी है, तो क्राफ्टिंग बुक क्यों दी भाई इन्होंने, क्राफ्टिंग के लिए दी है ना। तो हम इसे एक्स के साथ ये क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेते हैं, क्राफ्टिंग टेबल हमने तोड़ लिया है, और हम अपनी शील्ड भी अप्लाई कर लेते हैं। और हमारे पास एक एक्स है, एक सॉर्ड है, एक पिक एक्स है, और मैं इस बकेट के अंदर पानी भरने वाला हूँ, क्योंकि पानी यूज़ होने वाला है हमारा। आई एम सॉरी, विलेजर्स का पानी का सोर्स ख़त्म कर दिया है मैंने, बहुत बुरा हूँ मैं गाइस। लेकिन ये इधर एक आयरन गोलम है, और हम इस जगह के कोऑर्डिनेट्स भी सेव कर लेते हैं, तो इस जगह के कोऑर्डिनेट्स भी सेव हो चुके हैं। तो चलो यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और तुम लोगों ने मुझे बताना है कि आगे इस वर्ल्ड के अंदर मैं क्या करूं। अभी मैंने बस अपनी सर्वाइवल सीरीज़ का एक डेमो दिया है, आगे वीडियोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की वीडियो होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो आगे अपडेट्स के लिए। और मुझे बताना कि मैं आगे ये शेडर यूज़ करूँ या वनीला माइनक्राफ्ट के अंदर खेलूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।